बालों का टूटना व झड़ना रोक, 3 गुना तक लंबे और घने बाल पाने का आसान उपाय। नमस्कार, प्याज की मदद से बालों को 3 गुना तक लंबा और घना करने का बेहतरीन उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय इतना कारगर और इतना आसान है कि पहले ही बार से आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा और लगातार इस्तेमाल से आपके बालों की लंबाई 3 गुना तक बड़ी ही आसानी से बढ़ना शुरू हो जाएगी और आप इसे बड़ी ही आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं और नेचुरल होने के कारण हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बड़ी ही आसानी से 3 गुना तक बढ़ जाएगी और साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना और टूटना रुक जाएगा। तो चलिए ये देखते हैं हमें कैसे इसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने बालों की लंबाई के हिसाब से 2 से 3 प्याज का इस्तेमाल कीजिए। आपको इसे छोटे छोटे स्लाइड्स में काट देना है। आप प्याज को जितना बारीक काटेंगे उतना ही आपको बनाने में आसानी होगी और साथ ही साथ आपके बालों के लिए भी उतना ही बेहतर रहेगा। अच्छे से प्याज को बारीक काटने के बाद आपको इसे बॉईल करना है। इसके लिए आप सबसे पहले एक कंटेनर में 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कीजिए। 1 लीटर पानी का इस्तेमाल करने के बाद आप प्याज को अच्छे से इसमें डाल दीजिए और इसे बॉईल होने के लिए छोड़ दीजिए। आपको इसे लगभग 10 से 20 मिनट तक करना है ताकि जब तक ये 1 लीटर पानी आधा लीटर पानी ना रह जाए। उसके बाद जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो आपको इसे उतार लेना है। इसके बाद आप प्याज के पानी को एक कंटेनर में डाल दीजिए। आपको यहाँ पर प्याज के पानी को अच्छे से छान लेना है ताकि कोई भी प्याज जो है पानी में ना जाए और उसके बाद आपको प्याज को अलग रख देना है। प्याज में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम कैटलिस्ट पाया जाता है जो आपके बालों की लंबाई में बहुत फायदा करता है। इसकी मदद से आपके बालों की हेयर ग्रोथ सही रहती है और आपके बाल बड़ी ही आसानी से 3 गुना तक तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सल्फर आपके बालों की स्काल्प को नरिश करता है, जिससे आपके बाल जो है टूटना बंद होते हैं और साथ ही साथ बालों का पतलापन कम हो जाता है। लगातार इस्तेमाल से आपके बाल मोटे और लंबे होना शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एक विटामिन ई के कैप्सूल का। आपको यहाँ पर 1 कैप्सूल लेना है और उसका लिक्विड जो है आपको इस पानी में डाल देना है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल शाइनी दिखेंगे और साथ ही साथ आपको इसका फास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ये कैप्सूल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कैसे हमें इसे अपने बालों पर इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से वॉश कर लें और उसके बाद आप इसे अपने बालों पर लगाएं। आपको इससे अपने बालों को अच्छे से धोना है और 30 से 40 मिनट तक अपने बालों पर लगे रहने देना है। अगर आपको इसकी स्मेल पसंद नहीं है तो 30 से 40 मिनट के बाद आप दोबारा शैम्पू कर सकते हैं, नहीं तो आप साधारण पानी से अपने बालों को धो सकते हैं और अगले दिन शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ऐसा हफ्ते में 2 बार करना है और बस 1 महीने में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बाल काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।